हेलो फ्रेंड्स, अगर हम दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मे बी सिमिलर बट टू सिमिलर ट्रायंगल्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। इन फिगर एंगल ACD, ये जो आपका एंगल है इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल टू एंगल ABC, AD पैरेलल टू BC, AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड CD एंड AD। तो ठीक है, हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCA, ये दोनों जो एंगल हैं इक्वल हैं क्योंकि इच इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें गिवेन है। यहां पे देखिए दिया हुआ है हम लोगों गिवेन। देखिए, सिंस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, इट मींस ये जो एंगल होगा ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए, एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DAC ऑल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से थर्ड एंगल भी बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल के। तो हम इस तरीके से ये बोलेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। और किस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहां पे आप ट्रिपल एंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल भी बराबर होगा दोनों ट्रायंगल का। और दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हो गया तो वो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उनकी रेशियो इक्वल होगी। बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानना सबसे बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, तो आप देखिए कोशिश करिए। देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ट्रायंगल ABC में इस एंगल के सामने का साइड AB, ट्रायंगल DCA में इस एंगल के सामने का साइड CD, मतलब AB और आपका CD, AB और CD आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर मिल गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। 90 के सामने का साइड AC, यहां 90 यहां पर है, इसके सामने के साइड AD। तीसरी एंगल देखिए ये होगी थर्ड एंगल, इसके सामने का साइड BC। दूसरे ट्रायंगल में थर्ड एंगल ये होगा तो इस एंगल के सामने का साइड AC। अब देखिए, जो जो डेटा दिया हुआ है हम लोग डेटा को रख ले। AB 12, 12 अपॉन CD, CD कैलकुलेट करना है हम लोग, नहीं पता है तो एज इट इज रख दीजिए। और देखिए AC, AC
एसी नहीं पता है, क्योंकि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग एसी निकाल सकते हैं। देखिए एसी मींस व्हाट, अंडर रूट एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी आपका 12 है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 144 एंड 256 400 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 20, मतलब एसी आपका 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। एडी नहीं पता है तो एजीडी रहने दीजिए, बीसी मालूम है, बीसी आपका 16, एसी हम लोगों ने 20 निकाला है। ओके अब देखिए क्या करना है, आप क्या करिए, न्यूमरेटर में हर जगह 4 से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में तो 4 3 जा 4 5 जा और आपका यहां पे 4 4 जा, ये देखिए 4 अपॉन 20 है, 4 1 जा और ये 5। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला 3 अपॉन CD इक्वल्स टू 5 अपॉन AD इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो एंड थर्ड रेशियो। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग यहां से कोई भी दो रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें देखिए पहले CD चाहिए, तो ठीक है हम लोग क्या करें कि फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वेट कर दें। तो देखिए 3 अपॉन CD इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो यहां से हम लोग को CD मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, CD मिल गया, मतलब हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट करने के लिए देखिए क्या करिए, आपको AD चाहिए तो आप सेकेंड और थर्ड रेशियो को इक्वेट कर दीजिए, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 अपॉन AD इक्वल टू 1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को देखिए AD मिल जाएगा और ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने CD भी निकाल लिया और AD भी निकाल लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।